हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम फागुन पूर्णिमा के बारे में जानेंगे। जी हाँ, फागुन पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, फागुन माह हिंदू नववर्ष का अंतिम महीना होता है। फागुन पूर्णिमा वर्ष की अंतिम पूर्णिमा के साथ साथ वर्ष का अंतिम दिन भी होता है। फागुन पूर्णिमा का धार्मिक रूप से महत्व तो है ही, साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक नजरिए से भी बहुत महत्व है। पूर्णिमा पर उपवास भी किया जाता है, जो सूर्य उदय से आरंभ होता है और चंद्रोदय तक रखा जाता है। इस त्यौहार की सबसे खास बात ये है कि इस दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली का दिन होता है जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, मतलब बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। और तमाम लकड़ियों को इकट्ठा करके सभी प्रकार की नकारात्मक को होली जलाई जाती है। अब जानते हैं दोस्तों फागुन पूर्णिमा की व्रत कथा, आप भी ध्यान से सुनिएगा। फागुन पूर्णिमा के व्रत की वैसे तो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन नारद पुराण में जो कथा दी गई है वह असुरराज हिरण्यकश्यप की बहन राक्षसी होलिका के दहन की कथा है, जो भगवान विष्णु के भक्त व हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रह्लाद को जलाने के लिए अग्नि स्नान करने बैठी थी। लेकिन प्रभु की कृपा से होलिका स्वयं तो अग्नि में जल के भस्म हो जाती है, और इस प्रकार माना जाता है कि इस दिन लकड़ियाँ, उपले, इन सबको इकट्ठा करके होलिका का निर्माण करना चाहिए और मंत्रोच्चार के साथ शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक होलिका दहन करना चाहिए। जब होलिका की अग्नि तेज होने लगे तो उसकी परिक्रमा करते हुए खुशी का उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि होलिका दहन में होलिका तो जल की राख हो जाती है, लेकिन जो भगत प्रह्लाद था, जो विष्णु भक्त था, वो बच जाता है भगवान विष्णु की कृपा से। होलिका दहन के साथ साथ भगवान विष्णु व भगत प्रह्लाद का स्मरण करना चाहिए। असल में होलिका अहंकार व पाप कर्मों की प्रतीक भी है, इसलिए होलिका में अपने अहंकार और पाप कर्मों की आहुति देकर अपने मन को भक्त प्रह्लाद की तरह भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि फागुन पूर्णिमा पर व्रत करने से व्रत रखने वाले जातक के सारे संताप मिट जाते हैं, सारी परेशानियां दूर होती हैं, सभी कष्टों का निवारण हो जाता है और उस भक्त पर भगवान विष्णु का कृपा भगवान विष्णु की कृपा बरसने लगती है, विशेष कृपा होने लगती है। जातक को पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा दिखाने तक, जब तक चंद्रमा दिखाई नहीं देता तब तक उपवास रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा में उपवास और पूजा करने की जो भिन्न भिन्न विधियाँ हैं, फागुन पूर्णिमा पर काम वासना का दाह किया जाता है, ताकि निष्काम प्रेम भाव से रंग प्रेम का रंगीला पर्व होली मनाया जा सके। होलिका जो है वो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसे वरदान मिला हुआ था अग्नि में न जलने का, तो उसे भी हिरण्यकश्यप की तरह अहंकार हो गया था। तो जो भगत प्रह्लाद है वो हिरण्यकश्यप का पुत्र था, लेकिन वो विष्णु भगवान का भक्त था। इस तरीके से हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मारने के लिए बहुत प्रयत्न किए, बहुत कोशिशें की, और अंत में उसने अपनी बहन को, क्योंकि उसे विश्वास था कि मेरी
जो बहन है उसको तो वरदान मिला हुआ है अग्नि में न जलने का, तो होलिका तो बच जाएगी और भगत प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है। तो अंत में होलिका तो जल के भस्म हो जाती है और भगत प्रहलाद की जीत होती है। भगवान विष्णु भगत प्रहलाद की रक्षा करते हैं। इसी खुशी में होली का त्यौहार मनाया जाता है। एक दूसरे को रंग लगाया जाता है, शुभकामनाएं दी जाती हैं और गीत संगीत गाए जाते हैं। गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलते हैं और खुशी से ये रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि फागुन पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है। 2020 में फागुन पूर्णिमा का व्रत 9 मार्च को रखा जाएगा। इसी दिन होलिका दहन भी किया जाएगा। इस फागुन पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त जो है वो 9 मार्च के 3:03 पर शुरू होगी और 9 मार्च के रात्रि 11:17 तक रहेगी। होलिका दहन जो है वो 20:57 से लेके 28 तक है। भद्रा पूंछ है 9:37 से 10:38 तक, और भद्रा का मुख है वो 9 मार्च के 12:19 तक है। रंग वाली होली 10 मार्च को खेली जाएगी। दोस्तों, अब जानते हैं फागुन पूर्णिमा की पूजा विधि। फागुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके होलिका का पूजन करना चाहिए। होलिका दहन से पूर्व अपने आसपास कुछ पानी की बूंदें डालें, पानी की कुछ बूंदें छिड़कें। इसके बाद गाय के गोबर से होलिका का निर्माण करें और एक थाली में जैसे मोली, रोली, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत, हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल, 5 प्रकार के अनाज, और 5 प्रकार के जो अनाज में गेहूं की बालियां और एक जल का लोटा अवश्य रखें अपने साथ में। पूजा सामग्री के बाद भगवान नरसिंह की प्रार्थना करें और होलिका पर रोली, अक्षत, फूल, बताशे अर्पित करें और मोली को होलिका के चारों तरफ लपेट दें। तत्पश्चात होलिका पर प्रहलाद का नाम लेकर पुष्प अर्पित जरूर करें। भगवान नरसिंह का नाम लेते हुए 5 अनाज चढ़ाएं और पूजा संपन्न होने के बाद होलिका दहन करें और उसकी परिक्रमा जरूर करें। परिक्रमा करना न भूलें। होलिका की अग्नि में गुलाल डालें और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। उनके पैरों में गुलाल लगाकर आशीर्वाद लें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को दबा के नीला कर दीजिए। देखिए, आपके लाइक करने में कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ा के अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि इस जानकारी से औरों को भी लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।